हेलो गाइज, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जो चश्मे का नंबर आ जाता है, वो हम लोगों को कैसे पता चले कि बच्चों के चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा आ रखा है या हमारे बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है, उसके चश्मे का नंबर आ रखा है। बहुत सारे केस आजकल आ रहे हैं। आज जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया जिस बच्चे का नंबर 6 साल की उम्र में, आप मानोगे नहीं, उसका -4 नंबर दोनों आँखों में आ रहा था। उसके साथ उसकी दादी आई हुई थी, वो बोल रही थी ये फ़ोन में लगा रहता है, इतना फ़ोन चलाता है, छोटा बचपन से ही वो फ़ोन चलाता है। तो उसका इतना ज़्यादा नंबर आ रखा था, उसे देख के मुझे भी थोड़ा ये था कि इतनी सी उम्र में इसका 4 नंबर है। तो बच्चा बढ़ता है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है हमारी बॉडी के साथ साथ आईबॉल का भी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से चश्मे का नंबर और ज़्यादा आता है। तो अभी तो वो 6 साल का था, उसकी ग्रोथिंग एज थी, तो उसका अभी से 4 नंबर है। तो वो पता नहीं 20-22 साल तक उसका नंबर कहाँ से कहाँ जाएगा। हो सकता है अगर उसकी हाइट, जैसा आपको पता है कि हाइट अगर अचानक ग्रो करता है बच्चा, अगर एक साथ बढ़ती है, तब भी चश्मे का नंबर बढ़ने के बहुत चांस होते हैं। और मेनली उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सी हाइट थी, नॉर्मल बच्चा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि अचानक उसकी हाइट बढ़ी हो, या ऐसा भी कोई कॉज नहीं था। तो इतनी सी उम्र में उसका इतना नंबर था, घर वाले बहुत घबरा जाते कि -4 नंबर आ गया हमारे इतने छोटे से बच्चे का। तो मेनली कैसे पता चले माँ बाप को भी कि हमारे बच्चों का नंबर आ गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वजह से आजकल नहीं पता चल पा रहा। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है अब तो पता चल जाता है उसमें कि हाँ बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चे को कम दिख रहा है। और अगर -4 की बात करें, 4 में, तो तब भी दूर में बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे कम दिख रहा है। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत नंबर है, आधा नंबर है, 1 नंबर है, 0.75 नंबर है, 0.25 नंबर है, इन लोगों के विज़न में उतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। इन लोगों को तो सामने का भी ठीक दिखता है। अगर किसी पेशेंट की आँख में 0.25 नंबर है या 1 नंबर है और दूसरी आँख में ठीक है, तो दूसरी आँख से विज़न ठीक रहता है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता। तो मेन चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ हमारे बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है, शायद इसकी आंखों के में चश्मे का नंबर होगा, या हमको इसकी आंखें चेक कराएं चाहिए। तो मेनली अगर बात करते हैं, हेडेक भी एक बहुत मेन कॉज है। जब बच्चा पढ़ रहा है आपका, अगर आपके बच्चे को शाम को हेडेक होता है, उसको सुबह नहीं होता, दोपहर में नहीं, जब भी वो काम कर लेता है ऑनलाइन, या फिर वो कोई स्क्रीन पर वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद अगर उसको हेडेक हो रहा है, या फिर वर्क ना करते हुए भी अगर शाम को आपके बच्चे को हेडेक फेस करना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए आँखों की वजह से वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आँख की वजह से होने के। इसके पीछे कॉज ये है मेन कि बच्चा जब ऑनलाइन काम कर रहा है, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसके बाद या फिर दूर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहा है, अगर उसके आँख पे स्ट्रेन पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो उसके आँख में मेनली दर्द सा हो जाएगा, सर में उसके दर्द होगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि हाँ शायद बच्चे को चश्मे का नंबर आ रखा है। या फिर अगर बच्चे को शाम को आँखों में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द सुबह इसलिए नहीं होता क्योंकि जब बच्चा मॉर्निंग में फ्रेश उठता है तो उसकी मसल्स नॉर्मल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो उसको चश्मे के दर्द नहीं होता, उसकी आँखों में दर्द नहीं होता। पर जब बच्चा शाम हो जाती है, बच्चे को देर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि शाम में बच्चा पूरे दिन विजुअल वर्क करता है, देखता है इधर उधर, तो उसकी वजह से उसकी आंखों में दर्द हो जाता है। शाम को जो दर्द होता है वो मेनली 90-80% चांस होते हैं कि वो चश्मे के नंबर की वजह से होता है। इन चीज़ों से आप लोग पहचान सकते हैं ताकि ऐसा आपके बच्चों के साथ ना हो कि उसका सीधा नंबर 104 तक आए, 3.5 तक आए, उसकी आंखों की देखभाल रखें, क्योंकि आंख है तो सब कुछ है। अगर बच्चे को नहीं दिख रहा तो बड़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि इतना मोटा चश्मा होता है, अच्छा भी नहीं लगता 6 साल के बच्चे को। तो आप भी अपने बच्चों की आंखों की देखभाल रखिए, थोड़ा सा बच्चों के सिम्टम पे ध्यान देना है हमको। हमको क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनको इतना उनके लिए केयरलेस नहीं होना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बीमारी हमको पकड़ में आ जाती हैं। तो छोटी छोटी आँख में दर्द, सर में दर्द, इन चीज़ों को हमको कैच करते हुए इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है और अच्छे से इनका सारा ट्रीटमेंट कराना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।